स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ पे तो महंगाई की बारिश और तूफान आ रखा है। तो वहाँ पे सब्जियों के दाम और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई है। तो नेशन टॉक एक चैनल है इंडिया का, वो हमारे इंडिया के सब्जी मंडी में या स्ट्रीट पे जो वेंडर्स होते हैं उसके पास जाके हमारे यहाँ सब्जी के क्या दाम है वो पूछ रहे हैं और उसको पाकिस्तान में जो प्राइसेस है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो उसी पर आज का मिक्स रिएक्शन है और इसमें सब पाकिस्तान के जो रिएक्टर्स है वो हमारे इंडिया की प्राइस सुन के तो बहुत ही शॉक हो रहा है कि इतनी सस्ती हमारे यहाँ सब्जी है। और मैं रहता हूँ US में, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ की मार्केट में जाके प्राइस पता करूँ और आपको वीडियो के एंड में वो भी दिखाऊँगा कि हम अगर यहाँ के जो प्राइसेस है अब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते तो वो कितने की है और इंडिया और पाकिस्तान में कितने की है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अच्छा, प्याज ये क्या रेट है? थोड़ा आ गया अगर ये मान लो 250 या 260 रुपए किलो बेचो तो बिकेगा? 250 में जब होगा तो उस हिसाब से एक प्याज खरीदा जाएगा, फिर मतलब कहां ले पाएंगे 2 किलो 4 किलो। कोई ऐसा देश है जहां पर इतनी महंगी सब्जियां मिल रही, तो उस देश के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हो? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 10 के 2 10 के 2 महंगा तो नहीं लग रहा है? 10 के 2 नहीं महंगा नहीं लग रहा भाई। ये वाला जो गोभी का फूल है, आप इसका साइज देखो, देखो कितना बड़ा गोभी फूल है, कितना बड़ा, कितने किलो होगा लगभग? ये 2 किलो। क्या प्राइस, मतलब कितने रुपए का? 25 15 रुपए का। 15 मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे, कितने रुपए? हमारी 100 रुपए में हो जाता है। बहुत महंगा, 7 रुपए किलो। बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम धन्यवाद। क्या खरीदे हैं भैया? आलू खरीदे हैं। और क्या, आलू क्या रेट में? अच्छा, ये क्या रखे हुए, मतलब ऑनलाइन हो गए हो आप? वहाँ पर जो प्राइस है, मतलब सब्जियों के बहुत है सर, प्याज आप 250 में खरीदना पसंद करेंगे? नमस्कार, आदाब, जय हिंद, मेरा नाम धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के दाम है बहुत ही ज्यादा महंगे हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं भारत की एक छोटी सी जगह के ऊपर जहाँ सब्जियां लगा दी जाती है, लोग यहाँ से खरीदते, ये कोई मंडी नहीं है। अगर मंडी आप जाएंगे तो और भी सब्जी सस्ती वहां पर मिलेंगी आपको। आज हम यहां का प्राइस आपको दिखाएंगे, जो पाकिस्तानी रुपए में यहां की सब्जी होगी उसको हम स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे कि वो कितने रुपए पाकिस्तान में बन रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्जी वालों के पास में, साथ ही हम लोग जनता से भी बात करेंगे कि आपको महंगी लग रही है सस्ती लग रही है। आइए, क्या नाम है भाई? सूरज। क्या रेट गाजर दे रहे हो? 40 रुपए। और ये कटा? 40 रुपए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप भाई क्या रेट टमाटर दे रहे हो? 10 रुपए किलो देसी है। लोग खरीदते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई महंगा वहंगा तो नहीं कुछ ऐसा? बहुत मद्दा चल रहा है इस वक्त, बहुत मद्दा है। तो ये अगर टमाटर मान लो आप 60 रुपए बेचो तो बिकेगा? बिकेगा, मगर कम होने पे बिकेगा, ज्यादा होने पे बिकेगा। ज्यादा लोग लेंगे भी नहीं, माल ज्यादा किसानों माल है ना लोकल, इसलिए 10 रुपए किलो है। आप अच्छा, ये टमाटर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती? आराम से मंडी जाते हैं, मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जितना चाहो उतना मिल जाएगा, जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा। आप भाई क्या रेट, ये कैसे दे रहे हो? ₹250। अगर कोई और बार्गेनिंग करता तो कुछ कम कर देते हो कि मतलब फिक्स? 1 किलो 70 रुपए की, 250 रुपए की। और ये कैसे दे रहे हो? मिर्ची आप कैसे दे रहे हो? ये भी वही रेट, 1 किलो 70 20 का 250। अच्छा, मान लो ये अगर आप बेचते हो 400 रुपए किलो, तो कौन खरीदने आए? मैं भाई, जब 400 रुपए किलो का रेट नहीं है तो भाई मान लो अगर कोई आप बेचोगे तो कोई खरीदेगा? बिल्कुल नहीं लेगा भाई, 400 रुपए किलो अदरक कहाँ मिल जाएगी। अच्छा, टमाटर क्या रेट? टमाटर 10 रुपए किलो। और ये भी हम बगल बगल में कैसे काम चलता है, क्या रेट है ये? 20 रुपए का 250। 1 किलो कितने 70 रुपए। अच्छा सर, आप ये बताइए, टमाटर खरीद रहे हैं कोई महंगा महंगा तो नहीं लग रहा? नहीं, महंगा क्या है आजकल, कुछ नहीं, सब्जी क्या महंगी, जैसा रेट होता है वैसे तो देंगे ना, अपनी जेब से तो लगा के देंगे नहीं। अभी क्या, जैसे मान लो 10 रुपए में टमाटर मिल रहा है, 70 रुपए 60 रुपए किलो आपको अदरक मिल रही है, बाकी और भी जितनी सब्जियां हैं कुछ ज्यादा महंगी तो नहीं लग रही? देखिए, समस्या कभी जाती नहीं है, ठीक है ना? समस्या अगर व्यक्ति की आ गया है, समस्या आमदनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा वर्चा चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। कह रहे कोई मसला नहीं आ रहा, बहुत सस्ता काम है भाई। कैसे दे रहे हो गोभी का फूल? भाई 10 रुपए। और ये बनना
ये 15 के 2 दे देते हो, वो भी 15 के 2 दे देते हो, फ्लावर कैबेज दोनों। तो ये अवेलेबिलिटी है, आराम से मंडी लाते हो, मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई नहीं होती। अच्छा ये मूली कैसे? मूली 10 रुपए की, 4-5। अच्छा बाकी जो सब्जी लगा के रखी उसका भी थोड़ा प्राइस बता दो नाम के साथ में। सोया मेथी जैसे है 15 रुपए बिक जाता है, 20 का भी बिक जाता है। मतलब कितने रुपए किलो बताओ? किलो बिकता है पाकिस्तान में 4-3 किलो। ये सब आराम से मंडी मिल जाता है? ज्यादा खुद खेती करते हो कि लाते हो मंडी? नहीं मंडी से लाते हैं। हमारे किसका किलो की पाला? अच्छा भैया ये बताओ आलू क्या रेट है? किलो के 10 रुपए, थोड़ा तेज 10 रुपए किलो। अच्छा मटर 25 रुपए किलो। अच्छा और कोई जैसे ज्यादा लेता है तो कम कराता है तो कम कर देते हो थोड़ा बहुत? सब कराते कोशिश तो करते है ना, 5 रुपए पसेरी में कम हो जाता है इसमें। अच्छा प्याज ये क्या रेट है? थोड़ा आ गया 20 रुपए किलो। 20 रुपए जी। अगर ये मान लो तुम 250 या 260 रुपए किलो बेचो तो बिकेगा? नहीं सर। अब क्या जो है ये बैंगन क्या रेट मिल रहा है? 1 किलो 20। ये सच बोल रहे हो? और ये कद्दू जो है 20 रुपए किलो भी, 20-15 पम्पकिन। और भाई आप ये सब्जी खरीदने आए हो, कुछ महंगा लग रहा है कुछ सस्ता लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं भैया नॉर्मल है, कुछ ऐसा महंगा तो नहीं लग रहा है। क्या क्या खरीदे आप दिखाइए थोड़ा? ये सब कुछ अपने आपको मारे मूली है, चपेड़ है और बाकी सब पॉलिथीन में खुद ही पता। नहीं नहीं पता, बैगन है, पालक है। अच्छा मान लीजिए पालक आपको 100 रुपए किलो मिले तो आप लेना चाहेंगे? नहीं इतनी महंगी मिलेगी। मान लीजिए प्याज जो है 260 रुपए किलो अगर आपको मिले, 250 रुपए किलो मिले तो टमाटर 60। अब जैसा समय रहेगा उस हिसाब से आदमी मतलब अपना सरवाइव करने के लिए मतलब खाएगा पिएगा। उतनी हो जाती है तो कोई ऐसा देश है जहाँ पर इतनी महंगी सब्जियां मिल रही तो उस देश के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? पाकिस्तान मान ले, हम नाम नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान का है। नहीं नहीं दिक्कत तो होगी भाई, वहाँ के लोगों को दिक्कत तो ही रही होगी, ऐसा तो नहीं। अब पैसा तो वहाँ पे भी, अब वहाँ पे डॉलर मतलब और भी महंगा है पैसा, शायद हम लोग से भी महंगा है, दिक्कत और ही होगी। लेकिन सभी को नहीं दिक्कत हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो दिक्कत वहाँ बहुत ज्यादा। ये बताओ जैसे आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो लेकिन आपको 250 रुपए में जो प्याज मिलेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं दिक्कत तो होगी, प्याज अब इतनी महंगी थोड़ी ना कोई खाएगा। तो प्याज 20-30 रुपए की चीज अब 200-300 मिलेगी थोड़ी ना कोई खाएगा। पाकिस्तान के अंदर 320-310-250 ऐसे रेट चल रहे हैं, थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ प्राइसिंग का क्या कंपेरिजन। अब उससे तुलना करेंगे आप पाकिस्तान से? नहीं तुलना नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ के सब्सक्राइबर जो है ना हमारे, उनका थोड़ा रिक्वेस्ट आया। अच्छा ये बताइए मान लीजिए से 10 रुपए में है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से आलू जाए वहाँ पर तो वहाँ पर 30-40 रुपए में हो जाएगा बस, है ना? तो उनको भारत से मदद लेनी चाहिए कि नहीं? लेकिन वो लोग बेवकूफ है ना, बेवकूफ ऐसा काम करेंगे नहीं, मर जाएंगे मदद नहीं लेंगे। ये बात नहीं तो सोचिए, इतना अच्छा पड़ोसी है, मतलब वही है ना, आपस में भाई भाई का नहीं बन रहा तो भाई वही पड़ोसी वाला सीन है, कैसे बनेगा आपस में? आप अच्छा सब्जी लियो, 3 दिन की सब्जी कितने रुपए में? मसला ये तरह अब इतना तो लगभग मान लीजिए कुछ आप ले जा रहे हो तो कितने दिन सब्जी चले? 100 ये 2-3-4 दिन तो चली जाएगी। कितने रुपए हो जाती है? 100 रुपए में 3 दिन की सब्जी। धन्यवाद। इससे सस्ता 10 के 2 10 के 2 महंगा तो नहीं लग रहा है आपको? 5 रुपए नहीं महंगा नहीं लग रहा। अब हम लोग मतलब अलग अलग जगह के ऊपर पूछते चलते हैं, जैसे जैसे मिलते जाएंगे थोड़ा पूछते जाएंगे, नई नई सब्जियां आती जाएंगी, साथ ही नए नए लोग प्राइस बताते जाएंगे, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो। तो भाई ये टमाटर ये कैसे दे रहे हो? सॉरी लेमन नींबू कैसे दे रहे हो? 20 रुपए ऐसे कोई 1 किलो लेता है तो 70 का देते हैं। और ये धनिया कैसे देते हो? 5 रुपए 1 किलो ये भी 70 की दे देते हैं। अच्छा ये सारी जो सब्जी है भैया आपको आराम से मंडी में मिल जाती जहाँ से आप लाते हो? हाँ मिल जाती। तो मिल भी नहीं रही। जो ये प्राइस में बेच रहे हो इसमें भी कुछ आप कमाते होगे, मेहनत करते होगे? मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाता है, इतना प्रॉफिट नहीं होता होगा ना। अच्छा जो लोग यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं वो ये तो नहीं कहते बहुत महंगी सब्जी है, बड़ी दिक्कत हो रही है खरीदने में, ऐसा कुछ? यहाँ सस्ता मिलता है, बिकता है। आप क्या बेच रहे हैं भैया? अरे टमाटर पालक धनिया बेच रहे हैं। आप क्या खरीदने? पालक। क्या रेट पालक? पालक 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। राशन कैसे दे रहे हो?
हमारे किलो नहीं, हमारे गड्ढी इतने इतने। एक किलो अगर लेगा तो एक किलो 60 रुपए का लग जाएगा। 60 रुपए किलो गार्लिक बढ़िया है नंबर एक का। वाह और प्याज पाकिस्तान में 25 रुपए किलो, कुछ लोग 20 रुपए में दे रहे हैं, कुछ 20 में बेच रहे हैं। वो मीडियम वाली है या अच्छी वाली है? डिफरेंट क्वालिटी की होगी। और ये अलग है ना, ये कटाई है 25 रुपए की 250 ग्राम। अच्छा सर ये बताइए जो जो इस समय सब्जी के प्राइस है वो कोई महंगे आपको लग रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हमको महंगे नहीं लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जिस वजह से पैदावार जिसे हो रही है उस तरीके से ठीक है, क्योंकि महंगाई भी तो हाई है। कहने मतलब खाद और बीज 10 रुपए में टमाटर मिल रही है, खाद बीज सारी चीजें पड़ती हैं, तो कहाँ से भाई इसमें कहा जाए महंगा है। मान लीजिए अगर 5 दिन की सब्जी लेते हो आप, 3 मैक्सिमम लोग 2-3 दिन की सब्जी लेके जाते हैं, तो 3 दिन की सब्जी कितने रुपए में हो? अरे मुश्किल से बस मान लीजिए 10-50 रुपए में। 10-50 रुपए हमारे 100 रुपए की सब्जी लेते हैं। आपका लगभग कितने को जाता है? मान लीजिए 3 दिन की आप सब्जी लेंगे कितने रुपए? हमारी 100 रुपए में हो जाती है। 100 रुपए में 3 बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं एकदम। धन्यवाद यार। यार यार पागल कर दे यार तुम। मैं बोल रहा हूँ यार, ये इंडिया में कितनी सस्ती दवाई हो, कितनी सस्ती चीजें, इतनी सस्ती चीजें तो ये बाहर मुल्कों में भी इतनी सस्ती नहीं जितनी इंडिया में सस्ती है यार। आपने अंदाजा लगाए, आलू 10 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, गोभी 15 की 2 किलो, बंद गोभी 10 की 2 फूल, शिमला महाराज 20 रुपए किलो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे आपने देख रहे थे कि पाकिस्तान के रिएक्टर्स तो कैसे हंस रहे थे और शायद मन ही मन में सोच रहे होते कि होंगे कि अगर इंडिया से ट्रेड कर ली होते तो उनके यहाँ भी सब्जी सस्ती मिलती, शायद इससे थोड़ी महंगी होती है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट फीस और वगैरह सब भी लगता होगा, तो शायद टमाटर हमारे यहाँ भारत में 10 रुपये है तो वहाँ पे शायद 20 रुपये होते, जो आज 60 रुपये है उससे तो 40 रुपये तक कम होते, तो बहुत ही सस्ता पड़ता लोगों को। और बाकी सभी चीज़ें अगर इंडिया से वो लोग इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ही सस्ती पड़ती है उन लोगों को, लेकिन कश्मीर उनसे छूटा नहीं है, उसी के चक्कर में ट्रेड बंद कर दिया। हमारे यहाँ की ही चीज़ें वो दुबई या कई और देशों से लेते हैं तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट में ध्यान रख के ट्रांसपोर्टेशन फीस भी बढ़ जाती है, तो पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते वो भी महंगी हो जाती है। चीज़ें तो हमारे यहाँ से ही जा रही है लेकिन कश्मीर के चक्कर में डायरेक्टली हमसे नहीं लेते, दुबई या किसी और देश से ले लेते हैं तो महंगी तो पड़नी है, और वहाँ पे डॉलर भी 272 में मिल रहा है तो उससे भी उसकी प्राइसेस में फ़र्क तो आएगा। अगर इंडिया से रिश्ते अच्छे रखे होते तो शायद हम रुपीस में भी उनसे ट्रेड कर लेते और उनका रिजर्व्स भी बच सकता था। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।